काफी अच्छा है और काफी चर्चा में भी रहता है। पहली चीज तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेन मतलब जो आज हम इस्तेमाल कर सकें, कल हमारे पोते परसों पोतों के पोते उसके पहले हमारे बाप दादाओं ने इस्तेमाल किया हो, ये सस्टेनेबल। तब कोयला तेल या गैस आधारित बिजली के बारे में दो चीजें कही जाती हैं। एक वह लोग जो कहते हैं कि ये रिसोर्सेस सीमित हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। दूसरे वो लोग जो कहते हैं जैसे प्रकृति पेरिनियल चल रही है सदावती, सोर्स भी हमेशा बने रहेंगे, पानी से तेल बनने लगेगा, बता नहीं मिट्टी से कोयला बन जाए या पेड़ बने जैसा भी हो या नए नए सोर्स हो, तो वो सस्टेनेबिलिटी का एक ढकोसला ओढ़ के चीजें करते हैं। क्योंकि 18वीं शताब्दी के पहले तो इस कदर कोयले का न तेल का न गैस का दोहन होता था न उसका खर्च होता था, तब तो सस्टेनेबल था क्योंकि जो हमारा जमा पूंजी है उसको हम निकाल ही नहीं रहे, जितना प्रकृति से आ रहा उसका खर्च कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वही सस्टेन कर सकता है और सिर्फ वही जो पंच तंत्र हैं उनसे मिलता हो, चाहे वह जमीन की धरातल हो, वायु हो, जल हो, अग्नि हो, आकाश। तो इन पांचों से कोई भी प्रकार की जो बिजली बनेगी वो सस्टेनेबल हो सकती है, चाहे वह पन बिजली हो या वायु से चलने वाली बिजली हो, चाहे सूर्य से बलने वाली बिजली हो या आकाश में जो दबाव का अंतर है उससे आप बिजली बनाएं, या भूगर्भ में जो प्रेशर का या टेम्परेचर का अंतर है उससे बनाएं। ये पांच चीजों से, पांच सोर्स से जब बिजली बनेगी वही बिजली सस्टेनेबल हो सकती है। बाकी जितने भी रूप हैं वो आज हैं कल नहीं है, क्योंकि प्रकृति के विकास में कई चीज जब चरम पर पहुंचती है तो वो खत्म होने लगती है। तो आज भी जब हम हिप्पोपोटेमस तो दिखाई देता है, लेकिन उस प्रजाति के दूसरे जानवर जिसका हम नाम ही पढ़ते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। कुछ ऐसे द्वीप वगैरह भी गायब हुए हैं जो भूगोल में और इतिहास में पढ़ाए जाते हैं। चीजें गायब तो होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा स्टेटिस्टिक्स का रूप लेती हैं। तब कोयले, बिजली, न्यूक्लियर जो आज सर्वमान्य और सब जगह बिच रहे हैं, इसकी उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो हम अगर कहें कि ये बंद कर दो तो बेवकूफ़ी, हम कहें इनको और बढ़ाओ तो ये भी बेवकूफ़ी होगी। तो आज जैसी आदतें पड़ गई हैं, तब लोग कहते हैं कि आपने बिजली इस्तेमाल कर ली तो हम उनको भी तो देना है, तब किस कीमत पर देना है। कुछ लोग जो बच गए हैं बिजली के उपयोग से, और ऐसे बहुत सारे लोग वो हैं जो बिजली बनाने के संयंत्रों के पास रहते हैं, क्योंकि बनाने वाली बिजली तो 500 किलोमीटर दूर जाती है, दिया तले लगभग तृतीय विश्व में अंधेरे नहीं है, 5 किलोमीटर के दायरे में बिजली नहीं है जहाँ पावर हाउस है। अब इसके बाद एक और प्रश्न आता है कि जितने जो बिजली बन रही है, कोयला, गैस, न्यूक्लियर और तेल, जो पन बिजली बन रही है और वायु से बन रही है उसके बारे में थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो चार चीज़ें बन रही हैं इसमें तकनीकी का विकास जैसे हुआ वह लॉबी हावी हुई दुनिया पे। तो जब फॉसिल फ्यूल आया तो अभी जहाँ पे आराम से मिलता है तो तुम अरब में देखोगे कि बहुत सारे पावर हाउस नेफ्था से चल रहे हैं, डीजल से चल रहे हैं। वो कहते हैं कहाँ यार लकड़ी में पड़ेंगे कोयले। श्रीलंका, बांग्लादेश में गैस पे चल रहे हैं, पहला प्लांट शायद वो कोयले का लगाने वाले हैं। फ्रांस में 80-85% न्यूक्लियर है, जापान में भी काफ़ी न्यूक्लियर, कई जगह कंबाइंड है न्यूक्लियर, हाइडल, कोल, गैस। तब दुनिया में ये लॉबी हावी होती है कि जिसके यहाँ कोयला है उसके यहाँ तुम कोयले का प्लांट बेच लो, उसकी तारीफ कर दो, जिसके यहाँ कोयला नहीं है पानी है उसके यहाँ पानी का बेच लो, जिसके यहाँ न्यूक्लियर है उसके यहाँ न्यूक्लियर बेच लो, और ऐसा दिखाना जैसे हम आपको एक एहसान कर रहे हैं, आदतें डाल रहे हैं। ये लॉबीज हावी हुई जिन्होंने लगवाए,
अदरवाइज क्यों कर ऐसा होता कि जब अमेरिका में कोयले के पावर प्लांट कम हो रहे हैं और तृतीय विश्व में इनकी संख्या बढ़ रही है? ऐसा तो जायज नहीं लगता है। अगर अमेरिका में और विकासशील देशों में उसकी समस्याओं से लोगों ने गंभीरता से विचार किया है और उसको ठीक नहीं पाया है, तो क्यों कर वो तीसरे विश्व में लग रहे हैं? पॉल्यूशन तो वहाँ भी होगा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होगा, ये सोच है थोड़ा दूर हो जाए कोई बात। फिर वो ग्लोबल वार्मिंग की बात तो सिर्फ गर्मियों में और ठंडों में ही होती है ना, ग्लोबल कूलिंग या वार्मिंग, जो साल के 8 महीने बचते हैं उसमें धंधा होता है, तब वह बेचने की बात। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, ये पक्का है। और सस्टेनेबल उन सब 5 तत्वों से बनाई गई बिजली ही या उनके मिक्स से, उस पर प्रयास करना होगा, चाहे वह आज के युग में फोटोवोल्टिक सेल के आप विकास से जाएं, या लाइट एमिटिंग डायोड के विकास से जाएं, या एनर्जी सेल्स बनाएं, या जो प्रेशर डिफरेंस है उससे एयर कंप्रेस करके टरबाइन जनरेटर चलाएं, ऐसी कोई भी विधि आपको डेवलप करें, तब भविष्य में एक क्या रूप लेता है वह तकनीकी विकास पर निर्भर होगा, जो हम आज दिमाग में आ रहा है लेकिन जमीन पर करके दिखा। तो आज से कुछ साल पहले लाइट एमिटिंग डायोड 20 साल पहले लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि इसको कमरे की बिजली में भी उपयोग कर सकते हैं। क्या ये 15 वाट तक जाएगी, जो एक छोटा सा बनता था, तो ज़्यादा समय नहीं हुआ, 25 बरस हुए। आज जो कंडेंसेट बल्ब हैं फिलामेंट वाले, वो लगभग ऑब्सोलेट होने के कगार पे हैं। उसके बाद जो CFL आया है वो भी शायद 4-5 वर्षों में ऑब्सोलेट हो जाए। LED आए, अभी सबसे कम है। मान लो LED बल्ब आपको विकास में लाना है, तब आपके पास इतना मरुस्थल है, इतना सिलिका उपलब्ध है, इतना जर्कोनिया है कि आप जो मूल चीज़ें हैं डायोड की वो बना सकते हैं, तब वैसी इंडस्ट्री। और वो जब फोटोवोल्टिक सेल जो भी जर्कोनिया सिलिकॉन से बनता है और LED, उसका मिश्रण दोनों प्रकृति से ही आ रहे हैं, धरती से आ रहे हैं, तो बनना और खर्चा सस्टेनेबल है। लेकिन कोयला खदान से खोद के आप किलोमीटर अंदर चले जा रहे हैं, राख बनाए जा रहे हैं, तो राख से कोयला बनने की विधि तो शायद बिग बैंग के बाद ही आती है।